21 दिन रोजाना मेरा बताया हुआ ये टोनर अपने बालों में लगा लीजिए। आपके झड़ते हुए बाल बिल्कुल बंद हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, अगर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं समय से पहले तो वो भी काले हो जाएंगे। और ये मेरा इस वीडियो में 21 डेज चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो अपना सिटी नेम विद योर नेम और डन मेंशन जरूर करना, तो डेफिनेटली आपको अल्टीमेट रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishramehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। आज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पहला इंग्रेडिएंट जो है मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे से दाने आपके बालों के लिए बहुत गुणकारी हैं। आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ये फास्ट कर देते हैं, आपके बालों को घना कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के आपने बाल देखे होंगे कि लंबे तो होते हैं लेकिन मोटे बिल्कुल नहीं होते, तो ये आपके बालों को बहुत अच्छे से मोटा भी करता है, बालों का झड़ना भी रोकता है। और अगर आपके सर में पैचेस बनते जा रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके के, आपके कहीं जगह से बाल उड़ रहे हैं कहीं जगह पर हैं, तो वहाँ पर भी आपके बाल उगने शुरू हो जाएंगे। डैंड्रफ को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम किचन में खाने में भी करते हैं। फेस की झुर्रियों को हटाना हो तो इसका पैक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मेथी दाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरा हुआ है आपके पूरे शरीर के लिए, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा ये काली कलौंजी। काली कलौंजी आपके बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है। अगर आपके बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है, आपके बच्चे के बाल या आपके खुद के बाल, आपके घर में किसी कोई जो मेन है ना, कोई बॉय है, उसके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बेजान हो चुके हैं, डैंड्रफ या सफ़ेद बालों की समस्या है, तो कलौंजी आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए और मेरे बताए हुए तरीके से इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपने मार्केट में भी नोटिस करा होगा कलौंजी के कई तरह के ऑयल अवेलेबल हैं, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, आपके बालों में मॉइस्चर बना के रखता है, शाइनी बनाता है, आपके बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट कर देता है, और सबसे अच्छी बात कि आपका जो सर का बाल है उसको मोटा करता है, मजबूत करता है। क्योंकि अगर आपका बाल जो है वो मजबूत होगा, मोटा होगा, तो वो झड़ेगा नहीं और क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपके बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आपने कलौंजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं बनाने का सही तरीका। आपको एक बर्तन लेना है, उसमें डालना है आपको 1.5 ग्लास पानी। अब आपको डालना है मेथी दाने के 2 चम्मच इस पानी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कलौंजी के दाने। अब इसको हम अच्छे से पानी को बॉईल करेंगे गैस पर, ठीक है। आपको पहले जो गैस का फ्लेम है वो फुल रखना है, और उसके बाद आपको लो फ्लेम पे कम से कम इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसकी जितनी भी गुडनेस है वो इस पानी में अच्छे से आ जाए। अब आपको इसको अच्छे से एक बाउल में इसका सारा जितना भी पानी है वो अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपका ये बच जाएगा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, यानी मेथी और कलौंजी। तो आपको लगेगा इसको फेंकना है, बिल्कुल भी नहीं, इसका भी इस्तेमाल करना है जो मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हेयर पैक बन के तैयार हो जाएगा, हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। कैसे करना है वो भी देखते हैं, पहले हम टोनर रेडी करते हैं। तो अब इस टोनर में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग अब इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 स्पून्स। अब इसको हम एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब आपको इस तरीके से अपने पूरे बालों में इसको अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद में आप 1 घंटे के लिए एज इट इज़ अपने बालों को छोड़ दीजिए, किसी रबर बैंड से सिक्योर करके, या फिर शावर कैप पहन सकते हैं, या फिर किसी टॉवल से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपने बालों में अच्छे से इसको स्प्रे करेंगे तो आपने अपने बालों की जड़ों से लेकर लेंथ में इसको बहुत अच्छे से लगाना है और मसाज करना है 10 से 15 मिनट के लिए। और आपके स्कैल्प में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो बिल्कुल रुक जाए, इसकी पूरी गुडनेस आपके बालों की जड़ों में अच्छे से चली जाए, ठीक है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल कोई भी शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई कर लें। अब हम जानेंगे कि हमारा जो ये मेथी और कलौंजी बच गया था तो इसका पैक कैसे बनाना है ना। अब आप देख सकते हैं कितना सारा मेरे पास मेथी दाना और कलौंजी बचा हुआ है, तो उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। टोनर का इस्तेमाल आपने हफ्ते में 2 बार करना है, और इस पैक का इस्तेमाल भी आपने जो हेयर पैक बनाएंगे उसका इस्तेमाल भी आपने वीक में 2 टाइम्स करना है। तो चलिए अब एज इट इज इसको मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल दूंगी। ग्राइंड करने के टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा इसका स्मूथ पेस्ट आपने बनाना है, बिल्कुल महीन कर लेना है, क्योंकि जितना महीन आप करेंगे उतना अच्छे से आपके बालों पे ये लग पाएगा और उतने अच्छे से ही वॉश करने पर निकल पाएगा।
अब आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल महीन पेस्ट बन चुका है, तो आपको भी इसको पीसने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। आप इसको 3 से 4 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इसको अपने बालों के अच्छे से जड़ों में लगाना है और अपने बालों की लेंथ में लगाने के बाद 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देन उसके बाद अपने नॉर्मल शैम्पू से आपको वॉश कर लेना है।